आप समझती हैं कि इस तरह बच्चों की, स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए इस तरह के फनफेयर होने चाहिए ताकि उनको अच्छा फीडबैक मिले, जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाए होते हैं इस तरह उनकी जो सेल हो जाती है, तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी कि स्टूडेंट्स की क्या फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स? हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, हम स्टूडेंट्स को डोमेस्टिक लेवल पे भी तैयार करते हैं, प्रोफेशन के लिए भी। कई बच्चे जॉब्स में चले जाते हैं, जो जॉब्स नहीं करना चाहते उनको हम इस किस्म के बिज़नेस, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, केटरिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, हैंडबैग्स वगैरह, इस किस्म की चीज़ें बनाने पर उनको इनक्रेज करते हैं ताकि बाद में वो अपनी आउटलेट्स इन चीज़ों के खोल सकें। तो यहाँ जब वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाती हैं और स्टूडेंट लाइफ में ही उनकी चीज़ें सेल हो जाती हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो फिर समझती हैं कि हम एक बड़े लेवल पे अगर बिज़नेस करेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। तो यहीं से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिक किया और फिर वो बड़े हाई लेवल पे चले गए। कई स्टूडेंट्स हमारी हैं जिनकी इस वक्त बड़ी बड़ी बेकरीज हैं और डिज़ाइनर्स हैं, जैसे ये हाजरा हयात हैं, वो भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट हैं। रेडलेंस के नाम से एक बेकरी है, वो भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये तो मैंने एक दो का नाम लिया है कि वो यहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया छोटे लेवल पे और फिर वो ऊपर प्रोग्रेस करते गए। तो यहाँ से उनको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और टीचर्स की साथ सपोर्ट भी होती है और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जाता है कि वो इन चीज़ों में आए। तो स्टूडेंट्स का जो है उनको इजीली जॉब मिल जाती है, अगर कोई स्टूडेंट जॉब करना चाहे या फिर अपना बिज़नेस, वो तो आपने बता दिया कि स्टूडेंट जो है उनको एक मोटिवेशन मिल जाती है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से स्टूडेंट्स के बारे में बताएं कि उनको जॉब आसानी से अवेलेबल होती है? जी देखिए, हमारे 5 फील्ड्स हैं। एक है फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, रिलेटेड आर्ट है और चाइल्ड डेवलपमेंट है। इन 5 फील्ड्स में जो बच्चे स्पेशलाइजेशन तक, फाइनल ईयर तक पहुँच जाते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे जो न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें सारी डाइटिशियंस हमारे कॉलेज से हैं, सब वो पेशेंट्स के लिए डाइट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करती हैं, सब हमारी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जो टेक्सटाइल में है, वो बरीजे में, अमार में, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें डिज़ाइनिंग कर रही हैं। और जो इंटीरियर वाले हैं, वो लोगों के घरों की डिज़ाइनिंग करते हैं और इंटीरियर्स करते हैं, वो भी बड़े पॉपुलर हैं। कई डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के साथ काम कर रही हैं, कई प्राइवेटली कर रही हैं। और इस तरह जो HDFS वाले स्टूडेंट्स हैं, वो नर्सरीज़ में काम भी कर रहे हैं, उनकी अपनी नर्सरीज़ भी हैं और स्कूल्स भी हैं जो बड़े अच्छी तरह से वो लोग चला रहे हैं। और अगर हम आर्ट की बात करें तो हमारी स्टूडेंट्स अपनी एग्जिबिशंस करती हैं, जो बड़ी सक्सेसफुल एग्जिबिशंस होती हैं, खूब उनकी सेल होती है। फिर फ्लावर अरेंजमेंट्स वगैरह, हमारी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जो इवेंट मैनेजमेंट में हैं, जैसे ये वेडिंग्स के स्टेज वगैरह और डेकोरेशन ये सब करती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का हमें पता है जो ब्राइडल लिनन करती हैं, वो पूरी पूरी जैसे डाउरी के लिनन जो होता है वो तैयार करती हैं। सो बहुत से फील्ड्स में ज्वेलरी भी डिज़ाइन कर रही हैं, बहुत उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेल करना चाहे। तो हम हमेशा इनक्रेज करते हैं कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब वो वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि जब तक दोनों काम ना करें, हस्बैंड वाइफ, गुजारा मुश्किल हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर। स्पेशली एजुकेशन बहुत महंगी हो गई, अगर किसी ने अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम तो इनक्रेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कि वो फील्ड में आएँ, बजाय इसके कि एज़ हाउस वाइफ सारा टाइम घर में गुजारें। और क्योंकि हम उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, सो उनके लिए घर को और कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो बिज़नेस है चाहे किसी ऑफिस में, उस सब में बैलेंस करना आ जाता है। आप समझती हैं कि जो एक हाउस वाइफ होती है वो अपना बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से रन कर सकेगी और साथ में अपने घर को भी लुक आफ्टर कर? बिल्कुल, दोनों चीज़ें कर सकती हैं, क्योंकि फोकस जो हमारा है ना बेसिक, वो टाइम मैनेजमेंट पे है। क्योंकि टाइम, देखिए एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि अगर आधा घंटा तैयार होने का है और तो हम आधे घंटे में तैयार होते हैं, 10 मिनट का टाइम हो हमारे पास तो हम 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, हम खुद 24 घंटे में से टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए भी, घर के लिए भी, प्रोफेशन के लिए भी। तो टाइम मैनेजमेंट हम इनको ज़रूर सिखाते हैं। इनका एक कोर्स है रेजिडेंस, उसमें ये रहती हैं फॉर 24 डेज दिन रात। वहाँ हम इनसे सब कुछ कराते हैं और साथ टाइम मैनेज करना सिखाते हैं कि एक वक्त पे कॉलेज भी जाएँ, रेजिडेंस को भी रन करें, कुकिंग भी करें, गार्डनिंग भी करें, वेट्रेस का काम भी करें, ये सब कुछ हम उनको कराते हैं। सो वो प्रैक्टिकली सीख जाती हैं, झिझक उतर जाती है काम की, फिर सारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।